गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन EE204 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम EE204 की यूनिट 10 इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो आज की स्लाइड में हम देखने वाले हैं आगे, वो इस तरीके से हैं। सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते क्या हैं, उनका यूज़ क्या है और एडवांटेजेस क्या है। आज की क्लास में हम ये वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे। आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे उनके टाइप्स क्या होते हैं, जैसे करंट ट्रांसफार्मर, फिर उसके फर्दर टाइप्स क्या होते हैं, बर्डन क्या होता है, फेज डायग्राम क्या होता है, एरर्स क्या होती हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में, फेज एंगल एरर होती है वो क्या होती है, फिर उन एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, जो करंट और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एरर क्या होती है, और फिर उन एरर को मिनिमाइज़ करने के तरीके क्या होते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स हैं जो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन किसका, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर का। इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर होता क्या है, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी। क्या मतलब हुआ, जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है वो किस काम में आता है, वोल्टेज, करंट, पावर और एनर्जी को मेजर करने के काम में। एज द नेम सजेस्ट, दीज ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन कंजंक्शन विद द रेलिवेंट इंस्ट्रूमेंट सच एज अ मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर। कंजंक्शन मतलब साथ में। क्या मतलब हुआ कहने का, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को हम उनके रेलिवेंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब वोल्टेज है तो उसका रेलिवेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, वोल्ट मीटर, करंट है तो उसको मेजर करने का रेलिवेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, अमीटर, पावर है तो वाट मीटर और एनर्जी है तो एनर्जी मीटर। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को हम वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, कैसे, उनके रेलिवेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ में। अभी आप देखिए ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के टाइप क्या होते हैं, एक तो होता है करंट ट्रांसफार्मर, एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या है, एक तरह का सीरीज ट्रांसफार्मर है। सीरीज ट्रांसफार्मर क्यों, क्योंकि आपको याद है हम अमीटर भी कैसे लगाते हैं मेजर करने के लिए, सीरीज में। तो करंट ट्रांसफार्मर से हम करंट मेजर करने वाले, तो उसे भी हम किस तरीके से लगाएंगे, सीरीज में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हमारे पास है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो उसके लिए हम उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल ट्रांसफार्मर, बिकॉज जैसे वोल्टमीटर होता है इसको हम पैरेलल में लगाते हैं, ऐसे ही हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को भी क्या लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। क्लियर। करंट ट्रांसफार्मर आर यूज्ड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एसी करंट एक्सीड्स द सेफ वैल्यू ऑफ करंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या हुआ कहने का मतलब, हम कब यूज़ करते हैं, अब आप बोलेंगे जब हमारे पास ऑलरेडी अमीटर था, वोल्ट मीटर था, तो हमको करंट मेजर करने के लिए अलग से इस ट्रांसफार्मर की क्या ज़रूरत पड़ी। वो ज़रूरत ये थी कि अमीटर जो है एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी एक लिमिट है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने यही लिखा है, करंट ट्रांसफार्मर आर यूज्ड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एसी करंट एक्सीड्स द सेफ वैल्यू ऑफ करंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसकी सेफ वैल्यू को जैसे ही करंट एक्सीड कर जाता है तो हमें एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, सिमिलर चीज़ ही आपके पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के साथ है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आर यूज्ड वेयर द वोल्टेज ऑफ एन एसी सर्किट एक्सीड्स 750 वोल्ट एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड एडिक्वेट इंसुलेशन ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर वोल्टेज मोर देन दिस। क्या मतलब हुआ कि जो वोल्टमीटर है हम इसको मेजर कर रहे थे, जैसे ही 750 वोल्ट की जो वैल्यू थी वो एक्सीड करी, क्या 750 वोल्ट की जो वैल्यू एक्सीड करी, जैसे ये वैल्यू एक्सीड करेगी तो क्या होगा, हमारे लिए इस पर इंसुलेशन प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंसुलेशन पता है आपको, प्रोटेक्शन के लिए हम इंसुलेशन लगाते हैं किसी भी इक्विपमेंट पे, तो इंसुलेशन प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर यूज़ नहीं करके पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। अब यूजेस क्या है इसके, यूजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर टू इंसुलेट द हाई वोल्टेज सर्किट, जैसे भी हमने बोला, फ्रॉम द मेजरिंग सर्किट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम बर्निंग। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को बर्न होने से बचाने के लिए हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यहाँ पे यूज़ करते हैं। टू मेक इट पॉसिबल टू मेजर द हाई वोल्टेज विद लो रेंज वोल्ट मीटर एंड हाई करंट विद लो रेंज अमीटर। ठीक है, लो रेंज अमीटर या फिर लो रेंज वोल्ट मीटर का यूज़ करके हाई वोल्टेज या फिर हाई करंट को
मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स की हेल्प ली जाती है। दीज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर आर ऑल्सो यूज इन कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग सर्किट टू ऑपरेट रिले सर्किट ब्रेकर, क्योंकि हम मेजरमेंट का काम कर रहे हैं तो हमको पता है जो भी हम मेजर करते हैं उसको हम इनपुट किस में देंगे, रिलेज में दे सकते हैं, सर्किट ब्रेकर में दे सकते हैं, प्रोटेक्टिंग सर्किट में दे सकते हैं, फिर अपने कंट्रोलिंग सर्किट में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके पर्पजेज हुए, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के। द वर्किंग ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसकी वर्किंग को हमको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मशीन में पढ़ चुके हैं। द वर्किंग ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर आर सिमिलर एज दैट ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है, वर्किंग जो होती है वो किसके जैसी होती है, ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर के जैसी, करेक्ट। अब यूजेज में हमने देखा मेजरमेंट ऑफ करंट एज सीटी द प्राइमरी वाइंडिंग। अब इसको लगाते कैसे, मेजरमेंट करने के लिए करते क्या है, क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग इज सो कनेक्टेड दैट द करंट टू बी मेजर, करंट टू बी मेजर मतलब जिस करंट का मेजरमेंट करना है, द करंट टू बी मेजर्ड पासिस थ्रू इट, प्राइमरी वाइंडिंग से जिस करंट को मेजर करना है, सपोज करो ये लोड लगा हुआ है तो इस करंट को मेजर करना है, तो ये कौन सी वाइंडिंग होगी इसकी, ये कौन सी, हम जो इसमें सीरीज लगाएंगे वो हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग होगी, करेक्ट। द प्राइमरी वाइंडिंग इज सो कनेक्टेड दैट द करंट टू बी मेजर्ड पासिस थ्रू इट एंड सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू अमीटर। और दूसरा क्या करते हैं, फिर जो ये इसकी दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी इसमें अपन अमीटर लगा देंगे, अभी आगे डायग्राम देखेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द फंक्शन ऑफ सीटी इज टू स्टेप डाउन द करंट। सीटी का मतलब क्या हुआ, अपन क्या करेंगे, कैसी सीटी यूज़ करेंगे जो कि स्टेप डाउन करेगी, बिकॉज इसमें तो आपकी जो एक्चुअल करंट थी वो जा ही रही थी। अब अपन ने क्या किया, अपन ने मीटर वहाँ पे लगाया है और मीटर को अपन बर्न होने से बचाना चाहते हैं, तो मतलब अपन क्या चाहते हैं कि अल्टीमेटली वहाँ पे एक लो वैल्यू ऑफ करंट फ्लो करे। ये देखिए यहाँ पे अपन डायग्राम में देख सकते हैं, हमने बोला यहाँ पे हमारा लोड था, इस लोड के सीरीज में हमने यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग को लगा दिया और ये आपका सेकेंडरी साइड है और इसकी अपन ने सीरीज में क्या लगा दिया, अमीटर को लगा दिया। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो करंट होगा, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज़्यादा है, तो अपने को पता है आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई पी की वैल्यू यदि ज़्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, सेकेंडरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वैल्यू कम हो जाएगी प्राइमरी की वैल्यू से, करेक्ट। सेम चीज़ पीटी के केस में क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज बाय पीटी, द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज साइड टू बी मेजर्ड एंड सेकेंडरी टू द वोल्ट मीटर। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग में क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज साइड, प्राइमरी वाइंडिंग को वापस से वोल्टेज से कनेक्ट कर देंगे और सेकेंडरी को वोल्ट मीटर से, जैसे हमने सीटी में किया सेम वैसा। यहाँ पे भी पीटी का फंक्शनिंग किस तरीके से होगा, स्टेप डाउन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग को हमने लोड के पैरेलल में लगा दिया और जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी उसमें हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। तो ये आपका फाइनली रीडिंग वोल्ट मीटर दे देगा सेकेंडरी वाइंडिंग की हेल्प से, करेक्ट। अब एडवांटेजेस क्या है, द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्लेस्ड फार अवे, फार अवे ये हमने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सॉरी फॉर द मिसस्पेलिंग। यहाँ पे क्या है, द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम द हाई वोल्टेज साइड बाय कनेक्टिंग लॉन्ग वायर्स टू द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में हम लंबा तार लेके हम इसको कहीं पे भी, ज़रूरी नहीं है वहीं साइड पे लगाओ, हम कहीं दूर भी लगा सकते हैं। दिस इंश्योर्स सेफ्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज ऑपरेटर। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे क्या होगा, हमारी जो सेफ्टी है वो इंश्योर रहेगी इंस्ट्रूमेंट की भी और जो ऑपरेटिंग पर्सनल है जो वहाँ पे रीडिंग लेने का काम करेगा, जो वैल्यू को नोट करेगा, उसके लिए भी ये सेफ्टी होगी। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं, आपको याद, आपने यदि सब स्टेशन विजिट किया हो तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, सेफ जो हम लोग का करंट मेजरमेंट होता है वो कंट्रोल रूम में बैठ के हो जाता है, उसके लिए हमको वहाँ पे बार बार यार्ड में नहीं जाना होता ना, क्योंकि हमने क्या लिया है, उसकी रीडिंग को उठा के अपने पैनल पे डिस्प्ले करवा दिया है। ठीक, द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर कैन बी यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक अमीटर एंड वोल्ट मीटर। दूसरा क्या हुआ कि अपन रेंज को एक्सटेंड करने के लिए भी इनको यूज़ करते हैं, जैसे अपन ने देखा प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी में क्या हो रहा है, स्टेप डाउन हो रहा है, मतलब हमने क्या किया, अपने अमीटर की रेंज को इंक्रीज कर दिया, अपने वोल्टेज की रेंज को इंक्रीज कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, पावर लॉस इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू पावर लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ शंट एंड मल्टीप्लायर। हमको हमने देखा वहाँ पे हम ऐसे अलग से रेजिस्टेंस लगाते थे सीरीज में, उसको अपन शंट बोलते हैं, मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अपनी एनर्जी लॉस कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है बजाय की इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर से। बाय यूजिंग करंट ट्रांसफॉर्मर विद टॉन्क टेस्टर द करंट इन अ हैवी सर्किट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, करंट को हम मेजर कर सकते हैं सिंपली एक टॉन्क टेस्टर की हेल्प से। डिसएडवांटेज क्या है, द ओनली मेन ड्रॉबैक इज दैट दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन नॉट बी यूज इन डीसी सर्किट। ये हमको इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमको याद रखनी है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर को
डीसी में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। एसी ओनली, डीसी ओनली, बोथ एसी एंड डीसी, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हमको याद रखना है एसी ओनली। आगे वाली क्लास में हम सेपरेटली करंट ट्रांसफॉर्मर्स की वर्किंग पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।